जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण में, जिसमें आप देखेंगे परम पूज्य महातपस्वी आचार्य श्रीमद विजय पदम भूषण रत्न सुरीश्वर जी महाराज साहब एवं अन्य साधु साध्वी वृंद की पुण्य प्रभावक निश्रा में भचुंडला जिला प्रतापगढ़ राजस्थान में आयोजित धवल पाषाणों से नूतन नव निर्मित विशाल शिखरबद्ध जिनालय परम तारक श्री शंखेश्वर पार्श्व आदि जिन बिंबों की महामंगलकारी प्रतिष्ठा पंचाह्निका महोत्सव के दुर्लभ दृश्य। दर्शकों, इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों से अंकित हो चुका यहाँ महामहोत्सव इस माह 18 से 25 अप्रैल 2019 तक विविध आयोजनों के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ। महोत्सव में अनेकों भक्तों ने पुण्यार्जन किया और हर क्रिया में उत्साहित भावों से शामिल होकर जिन शासन की शोभा बढ़ाई। महोत्सव के दौरान 22 अप्रैल को प्रातःकाल मंदिर जी में पूज्य साधु साध्वी वृंदों की पावन निश्रा में नवग्रह पूजन, 10 दिग्पाल पूजन, अष्ट मंगल पूजन और नंद्यावर्ध पूजन सानंद संपन्न हुआ। ओम नमो यक्ष नायकाय स्वाहा, ओम नमस्तु पर्वे स्वाहा, ओम नम कुसुमाय स्वाहा, ओम नमो मातंगाय स्वाहा, ओम नमो विजयाय स्वाहा, ओम नमो अजिताय स्वाहा, ओम षडमुखाय स्वाहा, ओम नमो पतंगाय स्वाहा, ओम नमो पातालाय स्वाहा, ओम नमो किन्नराय स्वाहा, ओम नमो गरुड़ाय स्वाहा, ओम नमो गंधर्वाय स्वाहा, ओम नमो यक्षेशाय स्वाहा, ओम नमो कुबेराय स्वाहा, ओम नमो वरुणाय स्वाहा, ओम नमो चंद्राय स्वाहा, ओम नमो भौमाय स्वाहा, ओम नमो बुधाय स्वाहा, ओम नमो गुरुवे स्वाहा, ओम नमो शुक्राय स्वाहा, ओम नमो शनिश्चराय स्वाहा, ओम नमो राहवे स्वाहा, ओम नमो केतवे स्वाहा, ओम नमो क्षेत्रपालाय स्वाहा। कि तेरे द्वारे आने की रजा चाहता हूँ, तेरे द्वारे आने की रजा चाहता हूँ, रहते कहाँ हो रहते आयाने मुझे आके गे। भक्तों ने भावपूर्वक भक्ति का लाभ लिया और दर्शन वंदन से महान पुण्यार्जन किया। तो ये जीवन धन है नामा हो तो है ना, नामा हो तो है ना नारी मानो, तो ये जीवन धन है ना, कोई जाता है कोई जम्बुदीपे भरत क्षेत्रे दक्षिणार्ध भरते मध्य खंडे राजस्थान प्रांते
वचुंडला नगरी श्री संकेश्वर वाशनाथ स्वामी जी प्रसाद शांतिनाथ स्वामी जी मंडपे प्रतिष्ठा विधि महोत्सव शांति स्नातन पूजन महोत्सव अत्र आगछ पूजा बलि ग्रहण ग्रहण स्वाहा ओम नमो केतवे सावन सबरिकाय चंदनम समर्पयामि स्वाहा पुष्पम समर्पयामि स्वाहा वस्त्रम समर्पयामि स्वाहा फलम समर्पयामि स्वाहा धूपम अर्पयामि स्वाहा दीपम दर्शयामि स्वाहा नैवेद्यम समर्पयामि स्वाहा अक्षतम तांबूलम द्रव्यम सर्वोपचारान् समर्पयामि स्वाहा। पूजन के दौरान महाराज साहब ने भक्तों को मंगल उपदेश भी दिया। यह परमात्मा के इस पाटला पूजन के विधान में 9 ग्रह पाटला पूजन किए गए और एक एक ग्रह का पूजन किया गया। एक एक ग्रह के मालिक परमात्मा देव है, यानी 9 ग्रह परमात्मा के चरणों के अंदर बैठे हुए। आप देख लेना कि जो पार्श्वनाथ परमात्मा का परिकर लगा हुआ है, मूललायक भगवान कौन से यहाँ पर? हाँ, संकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान। ये संकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान के परिकर के नीचे 9 ग्रह की मूर्तियां बनी हुई है, यानी 9 ग्रह परमात्मा के चरणों के अंदर बैठे हुए। जो परमात्मा के चरणों में जाता है, परमात्मा के चरणों की सेवा पूजा करता है, उसे 9 ग्रह कभी पीड़ा देते नहीं है। तो ये 9 ग्रह ये परमात्मा के सेवक है। जो व्यक्ति परमात्मा की पूजा करता है उसको सेवक ऐसे 9 ग्रह कभी पीड़ा दे नहीं सकते। देखिए, हमें अगर 9 ग्रह की पीड़ा का निवारण करना हो किसके चरणों में जाना चाहिए? भगवान के चरणों में। ओम नमो नमो अग्निमूर्ते शंकरस्थाय विश्वाने समजला समजे बोलवी की आवश्यक प्रकार करते मध्य खंडे राजस्थान भरते भजुला नगरे से संगीत भाषण स्वामी राजा शांति नाथ स्वामी मंडल मंडले प्रतिष्ठा विधि महोत्सव शांति स्नात पूजन महोत्सव यत्र आगच्छ आगच्छ देश दृष्ट पूजा बलि ग्रहण ग्रहण स्वाहा। वस्त्रम समर्पयामि स्वाहा फलम समर्पयामि स्वाहा धूपम अर्पयामि स्वाहा दीपम दर्शयामि स्वाहा नैवेद्यम समर्पयामि स्वाहा अक्षतम तांबूलम द्रव्यम सर्वोपचारान् समर्पयामि स्वाहा। ओम ग्लोम होम नैरुत्य संभो षट् स्वाहा। ओम ग्लोम होम नैरुत्य संभो षट् स्वाहा। ओम ग्लोम होम नैरुत्य संभो षट् स्वाहा। ओम नमो वरुणाय पश्चिम दिग्दिष्टायकाय मकरवाहनाय पाशस्थाय सप्रजनाय अस्मिन् जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे दक्षिणार्धभारते मध्यखण्डे राजस्थान प्रांते भजुंडला नगरे श्री सतिष्ठा विधि महोत्सव शांति स्नात पूजन महोत्सव अत्र आगच्छ आगच्छ तिष्ठ पूजा बलि ग्रहण ग्रहण स्वाहा। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा वस्त्रम समर्पयामि स्वाहा फलम समर्पयामि स्वाहा धूपम अर्पयामि स्वाहा दीपम दर्शयामि स्वाहा नैवेद्यम समर्पयामि स्वाहा अक्षतम तांबूलम द्रव्यम सर्वोपचारान् समर्पयामि स्वाहा। ओम नमो नागाय सहवनाय सबरिग्राय सायुधाय चंदनम समर्पयामि स्वाहा। पुष्पम समर्पयामि स्वाहा वस्त्रम समर्पयामि स्वाहा तैलम समर्पयामि स्वाहा धूपम अर्पयामि स्वाहा। ओम भोभो इंद्रादय दिक्पाला आदित्यादय ग्रहस्य सरस्वती स्थिता विघ्न शांति करा भवत भवत स्वाहा। पूजन के बाद मंगल 18 अभिषेक संपन्न हुए।
त्रैलोक्य गताय अष्ट दिक् कुमारी परिपूजिताय देवेंद्र महिताय दिव्य शरीराय देवाधिदेवाय श्रीमते संकेश्वर पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय श्रीमते आदिनाथ जिनेन्द्राय श्रीमते महावीर स्वामी जिनेन्द्राय श्रीमते शांतिनाथ जिनेन्द्राय अत्र चौबीस जिनेन्द्राय आगच्छ आगच्छ स्वाहा गरुड़ पुण्यशाली भक्तों ने मूल नायक शंखेश्वर भगवान पार्श्वनाथ सहित सभी अतिशयकारी प्रतिमाओं का मंगल अभिषेक किया। पूजन करते करते भक्तों ने नृत्य कर प्रभु के प्रति अपनी भक्ति भी प्रदर्शित की। रात्रि में गाजे बाजे के साथ लाभार्थी परिवार की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें अनेकों भक्त शामिल हुए। सभी ने खूब भक्ति की और जयकारे लगाए।
क्षेत्रों में भ्रमण कर यात्रा मंदिर जी पहुंची, जहां सभी भक्तों ने भक्ति भाव से प्रभु की आरती उतारी। के बाद भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें संगीतकारी ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत कर भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आइए अब चलते हैं अगले दिन यानी 23 अप्रैल की ओर। प्रातःकाल महाराज साहब के सानिध्य में देव देवी हवन एवं पूजन संपन्न हुआ। इसके बाद अवसर आया जब धूमधाम से भव्य वर घोड़ा निकाला गया, जिसमें अनेकों भक्त शामिल हुए। हाथी घोड़े विविध बैंड मंडियां और अनेकों श्री संघ ने वर घोड़े को विशाल रूप प्रदान किया। बैंड बाजों के शोर के बीच सभी भक्त जिन शासन की महती प्रभावना करते हुए आगे बढ़े। पूज्य साधु एवं साध्वी वृंद भी भक्तों को अपना मंगल आशीर्वाद देते हुए चलते रहे। कुछ उत्साहित भक्त तो गुरु भक्ति में झूमते रहे और गुरु के जयकारे लगाते रहे।
विविध क्षेत्रों से होती हुई वरघोड़ा यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची और धर्म सभा में परिवर्तित हो गई। सर्वप्रथम महाराज साहब ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। इसके बाद प्रतिष्ठा मार्गदर्शक श्री मनोज कुमार बाबू मलजी हिरण ने क्रियाओं को आगे बढ़ाया। वंदना 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 बोलो, वंदना 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 बोलो, वंदना आज हमारी, वंदना आज तुम्हारी। अनंत अनंत लब्धि के धारक गुरु गौतम स्वामी के चरणों में कोटि सह नमन। जिनके पावन सानिध्य में यह प्रतिष्ठा का अवसर आया, इस मेवाड़ और मालवा की धरती को जिन्होंने मंदिरों से मंडित किया और उनके जीवन काल में लगभग एक नहीं दो नहीं 400 जिन मंदिर के निर्माण करा के प्रतिष्ठा कराने वाले जगत की विभूति एक ही है, जिनका नाम आचार्य जितेंद्र सुरेश्वर जी महाराज, जिन्होंने 400 जिन मंदिरों के निर्माण करके एक इतिहास का सृजन किया। उसी श्रृंखला में उन्हीं के कृपा पात्र परम पूज्य प्रशांत मूर्ति और जिन्होंने 100 वर्तमान तप की ओली पूर्ण करी, ऐसे महातपस्वी आचार्य देव श्री पद्म भूषण दत्त सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि सह नमन। जिनकी कृपा से और जिनके मार्गदर्शन में ये मंदिर का कार्य समय समय पर गतिमान बना, ऐसे परम पूज्य प्रशांत मूर्ति आचार्य देव श्री निपुण दत्त सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि सह नमन। इस कार्य के अंतर्गत हमारे संघ के तमाम भाग्यशाली जिन्होंने इस कार्य में योगदान दिया तन से मन से धन से, उन सबको मैं बधाई देता हूँ। और मान लीजिए अगर कोई नहीं भी किया लेकिन सबसे पहले जो काम कर रहा है उसमें कभी बाधा नहीं आई, उनको भी मैं बधाई देता हूँ कि उनके कारण से भी काम बना। इसके बाद दोपहर में 108 श्री पार्श्वनाथ पूजन की क्रियाएं संपन्न हुई। सुर पार्श्वनाथ जी इंद्राय जलम चंदन पुष्पम धूपम दीपम अक्षतम निवेद्य फलम यजामहे स्वाहा। अजाराख्य पार्श्वम विभक्त्या प्रणोमि नमो दोकड़िया भिदानाय तुभ्यम नमस्ते 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 नमस्ते। ओम रोग जल जरण विषचरारी मैंदगणमय पार्श्वनाथ नाम संकीर्तनेन पदमन्ति सवयं स्वाहा। सो पवित्र तीर्थ नीरेण संयुक्तं वंद पुष्प सम्मिश्रं पद जलं बहु परिस हिरण्य मंत्र परिपूतम् आने जावे रे हे आने जावे रे हे आने जावे रे हे आखो में श्रीमते चोरवाड़ी नव पल्लव बरे जपाशना जिनेन्द्राय जला अधिकम यजामहे स्वाहा। ओम ह्रीं श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय जन्मजरा मृत्युनिवारणाय दंडेन्द्र पद्मादि परिपूजिताय श्रीमते शिरोडिया हमीरपुरा पोसली पाशना जिनेन्द्राय जलाधिकम यजामहे स्वाहा। तो पवित्र तीर्थ नीरेण संयुक्त गंध पुष्प सम्मिश्रम पद जलम बिंबौ परि सहिरण्य मंत परिभूतम जिन बिंबौ परिनिपतत घृत दधि दुग्धादि द्रव्य परिभूतम दर्भोदक सम्मिश्रम पंचसुधाम हर दुर्तानि। ओम ह्रीं श्री परमपुरुषाय परमेश्वराय जन्मजरा मृत्युनिवारणाय दंडेन्द्र पद्मादि परिपूजिताय श्रीमते मक्सी उवसगहरम कल्पद्रुमपाशना जिनेन्द्राय जलाधिकम यजामहे स्वाहा।
मंगल कल्याण विसर्बलिंगमंतं त्रिभुवन गुरुरारत भक्ति भाज तेषां शान्तिर्भवतु भवता मरहदादि प्रभवदारोग्य श्री धृतिमति करी क्लेश विध्वंस हेतु भव्य लोका इहि भरद्रावत विदे संभवानं समस्त तीर्थकृतां जन्मनि आसन प्रकम्पान्तरं मदिने विज्ञासुधर्माधिपति सुघोषा घंटा चालनान्तरं सकल सुरासुरेन्द्रि सह समागत्य सह विनय मृदभट्टारकं गृहीत्वा गत्वा कनकादृशङ्गे विद जन्माभिषेक शान्तिमद् घोषयति यथा ततोऽहं कृतवान् कर्मेति कृत्वा महाजनन् महाजनेन गतवन्तः इति भव्यजनैः सह समेति स्नात्रपीठे स्नात्रमिदं शान्तिमद् घोषयामि तत्पूजा यात्रा स्नात्रादि महोत्सवान्तरमिति कृत्वा गणदत्वा निशम्यतां निशम्यतां स्वाहा ॐ पुण्याहं पुण्याहं प्रियन्तां प्रियन्तां भगवन्तो अरब सुधि शीतल वासपूज्य विमल अनंत धर्म शांति कुंथर्मलि मुनि सूरत नमी नेमी पार्श्वर्धमान जिना शांत 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 शांति करा भंतु स्वाहा ओम मुनियो मुनि प्रवरा रिपु विजय दुर्भिक्ष कांतारेश दुर्ग मार्गेशु रक्षंतु नित्यम स्वाहा ओम रीम श्री धतिमति कृति कांति बुद्धि लक्ष्मी मेगा विद्या साधन प्रवेश निवेशनेशु सुकृतामन जयंतु ते जिनेन्द्र ओम रोहिणी प्रज्ञति व्रज श्रृंखला व्रजांकुशी अपदिक्रा पुष्पता काली महाकाली गुरु गांधारी सर्वास्त्र महाजल मानी विरुटी अच्युत मानसी महामानसी सोडेश विद्यादेव रक्षंतु नित्यम स्वाहा निश्चर राव केतु सहित असलोकपाला सोम यम वरुण कुबेर वासवादित्य स्कंद नायक पिता ये चैनबी ग्राम नगर क्षेत्र देवता देश दे सर्वे प्रियंताम प्रियंताम अक्षिण कोष्कोष्ठाकारा नरपतेश्च बंधु स्वाहा ओम पुत्र मित्र भार बंदुर्ग सहित नित्यम चामद प्रमद कारण अस्मिन् च भूमंडलायत निवासी साधु साध्वी श्रावक श्राविकाणाम रोगोपसर्ग व्याधि शांतिर्भवतु ओम तुष्टि पुष्टि रिद्धि वृद्धि मांगल्य स्वाहा सदा प्रादुर्भूतानि पापानि शाम्यन्तु दुरितानि शत्रुपरां भवन्तु स्वाहा श्रीमते शान्तिनाथाय नमः शांति विधायने त्रिलोकस्य अमराधीश मुकुटाभिजितांग्रे शान्तिः शान्तिग्रह श्रीमान् शान्तिं दिशतु मे गुरु शान्तिरिव सदा देशामि शाम शान्ति गृहे गृहे। रात्रि में गाजे बाजे के साथ लाभार्थी परिवार की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें अनेकों भक्त शामिल हुए। सभी ने खूब भक्ति की और जयकारे लगाए। विविध क्षेत्रों में भ्रमण कर यात्रा मंदिर जी पहुंची, जहां सभी भक्तों ने भक्ति भाव से प्रभु की आरती उतारी।
आरती के बाद सर्वप्रथम लाभार्थी परिवारों का बहुमान किया गया। इसके बाद सतीश जी दवे एंड पार्टी उज्जैन के कलाकारों द्वारा प्रभु पार्श्वनाथ चरित्र का लाइट एवं म्यूजिक के साथ भव्य आकर्षक प्रस्तुति दी गई। इस शो का भक्तों ने भरपूर आनंद लिया। भगवान ऋषभ देव हाँ, भगवान ऋषभ देव के पिता का नाम नाभि और माता का नाम मरु देवी था। ऐसे श्री ऋषभ देव को हम प्रणाम करते हैं। भगवान ऋषभ देव के बाद भगवान अजित नाथ ने जिन धर्म की श्रेष्ठता को और ऊंचा किया। ओहो, क्या बात है भैया। भगवान अजित नाथ का राज्यकाल 53 लाख पूर्व एक पूर्वांग माना जाता है। क्या बात है, माना जाता है। अरे आगे तो सुनो। क्या हाँ। जिनका लक्षण गज माना जाता है उन धर्म उद्धारक भगवान अजित नाथ को हम प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं। श्री पद्मप्रभ स्वामी को चेत सुदी पूर्णिमा के दिन चित्रा नक्षत्र में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल ज्ञान। महाराज, अरे महाराज ये तो बड़ा शुभ है, ये तो बहुत ही शुभ है महाराज। अच्छा आगे तो सुनो। उसके बाद मुझे एक वृषभ दिखाई दिया, ऊंचा पूरा यह वृषभ सचमुच जैसे जैसे किसी राजा का राज पशु हो। वृषभ, क्या कहते हैं नैमित्तिक आप इस बारे में? अरे महाराज ये तो बहुत ही शुभ है, बहुत ही मंगलकारी है, शास्त्र भी यही कहते हैं महाराज। इसके बाद मुझे एक सिंह दिखाई दिया। सिंह दिखाई दिया? हाँ, मगर आश्चर्य उसने मुझे डराया नहीं,
बल्कि उसके पास आते ही मुझे अच्छा लगने लगा। ये तो और भी शुभ है महाराज, बहुत ही शुभ है, मंगलकारी है महाराज। हाँ, ये तो बहुत ही शुभ स्वप्न है महारानी जी। और बताइए, हम अधीर हुए जा रहे हैं, आपने कौन कौन से स्वप्न देखे? बताती हूँ महाराज। महाराज, सिंह के बाद मुझे एक देवी दिखी। देवी? हाँ महाराज, वो देवी कमल पर विराजमान थी, उनके हाथों से स्वर्ण मुद्राएं बाहर झर रही थी। महाराज, अरे महाराज, देवी कमल पर विराजमान थी और उनके हाथों से स्वर्ण मुद्राएं झर रही थी। महाराज बहुत ही शुभ है, महाराज बहुत ही शुभ है। महाराज, मुझे लगता है वो लक्ष्मी देवी ही होंगी, उन्होंने मुझे वात्सल्य पूर्वक देखा। जानते हैं महाराज, तो पुष्प मालाएं भी थी, मानो वे किसी के गले में पहनाई जानी हो। क्या कहते हैं इस बारे में नैमित्य आप? महाराज, तो पुष्प मालाएं, अरे महाराज शास्त्र देखिए शास्त्र, ये तो बहुत ही शुभ है हमारे राज्य के लिए और हमारे सबके लिए महाराज। सचमुच ये तो बड़ा ही प्रसन्नतादायक विषय है। जी महाराज। आगे तो सुनिए महाराज, मुझे आगे और भी शुभ सपने दिखाई दिए। बताइए महारानी जी। इसके बाद मुझे चंद्र और सूर्य भी दिखे। चंद्र और सूर्य? महाराज, चंद्र और सूर्य का दिखना तो बहुत ही लाभप्रद है महाराज। इसके बाद महाराज मुझे धर्म ध्वजा लहराती हुई दिखाई दी, जो मानो पूरे आकाश में लहरा रही थी। ये तो भाई शुभ स्वप्न है महारानी जी। महाराज, धर्म की ध्वजा और वो भी आकाश में लहराती हुई, अरे महाराज बहुत ही शुभ, बहुत ही मंगलकारी समय आने वाला है महाराज। ये शुभ स्वप्न यही दर्शाते हैं अवश्य आपके यहाँ कोई दिव्य आत्मा अवतार लेने वाली है। अरे भैया सब मिलकर बोलो प्रभु की जय हो। अरे प्रभु की जय हो। अरे भैया प्रभु की जय हो। हे प्रभु, आप सब दुखों का हरण करने वाले हैं, अश्वसेन रूपी कुल है दया सागर, आपने मोह रूपी पिशाच से ग्रस्त लोगों की मुक्ति के लिए जन्म लिया है, आपके दर्शन मात्र से लोगों में पवित्रता आ जाएगी। हमारा नाथ नी बधाई बाजे छे, हमारा प्रभु नी बधाई बाजे छे, हमारा प्रभु नी बधाई बाजे छे। जिकी निकली सवारी, झूमू थे सारे नर नारी नारी, जिकी निकली सवारी, झूमू थे सारे नर नारी। पूर्व 790 पोष कृष्ण धरणेन्द्र 3 दिन तक छत्र बनाकर वहाँ भक्ति भाव से खड़े रहे। जिस स्थान पर प्रभु ने ध्यान किया वहाँ बाद में अहि छत्रा नगर बसाया। धरणेन्द्र ने प्रभु की रत्न जल प्रतिमा बनाई। इधर साधना में लीन थे पार्श्वनाथ प्रभु और उधर उधर कमठ पर आइए अब चलते हैं प्रतिष्ठा दिवस यानी 24 अप्रैल के कार्यक्रम की ओर, जब प्रातः शुभ लग्नांश बेला में परम तारक परमात्मा की भव्याति भव्य प्रतिष्ठा महापूजन आदि ऐतिहासिक रूप से संपन्न हुई। सभी भक्त गाजे बाजे के साथ मंदिर जी की ओर रवाना हुए। सभी बेहद खुश थे और भक्ति नृत्य कर अपनी भक्ति प्रदर्शित कर रहे थे। भक्ति करते हुए सभी मंदिर जी पहुंचे जहां सुवर्ण कलश स्थापना की गई।
के बाद गुरुदेव ने मंगल उपदेश दिया। अब गोपीचंद सेठ तीसरी बार अपने दोस्त के यहाँ पर गए और उस समय गोपीचंद सेठ जब गए तो भी उसका दोस्त वहाँ पर नहीं है, यानी पहले नौकर ने क्या पिलाया था? पानी। दूसरी बार दोस्त के लड़के ने क्या पिलाया? चाय। और अब उसकी पत्नी ने जानकर के कहा कि आप मेरे दोस्त के खास हो, अभिन्न हो, तो आए हैं तो भोजन करके जाओ। और वो गोपीचंद क्या करके गए? भोजन किया और भोजन करके निकल रहे और सामने ही उसको दोस्त मिल गया और मिलते ही कहा कि मैं तीन तीन बार आया। कितनी बार आया? तीन तीन बार, किंतु मेरा आना यहाँ पर निष्फल गया। और उस समय वो दोस्त ने कहा, निष्फल क्यों गया? पहले जब आए उस समय आपको क्या मिला था? बोलो, निष्फल गया थे, आए तो पानी मिला। दूसरी बार जब आए उस समय आपको क्या मिला था? चाय मिली। और अभी आप जैसे नीचे उतर रहे हो, आपका मुंह ही कह रहा है कि आप अभी क्या करके आए हो? भोजन करके आए। तो पहले पानी मिला, दूसरी बार चाय मिली, और अभी तीसरी बार आपको क्या मिला? भोजन मिला। तो आना आपका निष्फल क्यों? और उस समय ये गोपीचंद कह रहा है, देखिए मेरा आना किस वजह से था, वो वजह मेरी पूर्ण न होने से, कार्य सफल नहीं होने से मेरा आना निष्फल था। बाकी चाय पानी और भोजन ये तो मुझे घर पे भी मिलने वाले थे, यहाँ हम सब आए हैं। भाई आप यहाँ आए कि नहीं आए? सब आए, किस लिए आए? आप सही बताना, यहाँ सब बचुल्ला नगर के अंदर आए, आपका उद्देश्य क्या है? आपका यहाँ पर आने का लक्ष्य क्या? अरे आप सब बोलो तो सही, मुझसे बोलो, फोन लेके तो नहीं आए होते? ये कह रहे गुरु भगवान के दर्शन करने के लिए आए, परमात्मा की प्रतिष्ठा देखने के लिए आए, और ऐसा शुभ अवसर हमें बार बार मिलना का है, यानी यहाँ पहले भी कई बार आए। बोलो आए कि नहीं आए? पहले बचुल्ला में पहली बार आ रहे हो कि पहले भी आए हो? ये तो देखो कह रहे कई बार यहाँ पर हम तो, किंतु पहले आए किस लिए आए थे? हाँ, कोई कह रहे परिवार से मिलने के लिए आए, कोई कह रहे चाय पीने के लिए आए, कोई कह रहे दोस्त को मिलने के लिए आए, कोई कह रहे कि भोजन करने के लिए आए, किंतु ये सब चीज़ें आपके घर पे भी हो सकती है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारा उद्देश्य है कि परमात्मा की प्रतिष्ठा संपन्न करना, और ऐसे परमात्मा की प्रतिष्ठा देखने का लाभ आज हमें मिलने जा रहा है। भो भो तुम चरणों की सेवा, फिर आगे क्या लिखा है? फिर आगे एवी। उपदेशोपरांत सभी भक्त मंदिर जी में पहुंचे और प्रतिष्ठा की क्रियाएं आरंभ हो गई, जिसमें श्री अष्टोत्तरी शांति स्नात्र महापूजन, शिखरोपरि ध्वजारोहण, माणक स्तंभारोहण, तोरण बांधना आदि मंगल क्रियाएं भी सानंद संपन्न हुई। प्रतिष्ठा की क्रियाओं के चलते एक से बढ़कर एक भक्ति गीत गाए और भक्तों ने भक्ति का आनंद लिया। पूज्य गुरुदेव ने भी मांगलिक मंत्रों का उच्चारण किया और भक्तों को अपनी मंगल निश्रा प्रदान की।
प्रतिष्ठा संपन्न होने के बाद भक्तों ने प्रभु की आरती भी उतारी। इसके बाद गुरुदेव द्वारा मंगलाचरण सह बहुमान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें लाभार्थी एवं पुण्यशाली भक्तों का बहुमान किया गया और पूज्य महाराज साहब को कामली भेंट की गई। में गाजे बाजे के साथ लाभार्थी परिवार की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें अनेकों भक्त शामिल हुए। सभी ने खूब भक्ति की और जयकारे लगाए। विविध क्षेत्रों में भ्रमण कर यात्रा मंदिर जी पहुंची, जहां सभी भक्तों ने भक्ति भाव से प्रभु की आरती उतारी। इसके बाद भक्तों का बहुमान भी किया गया। के बाद भी भक्तों ने मंगल भजन गाए और भक्ति का आनंद लिया। आज हमारे गांव बचुंडला में नगरे में 5 दिवसीय मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव में सभी पधारे श्री संघ जैन संघ का मैं बचुंडला संघ से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 5 दिवसीय में हमारे सभी जैन धर्मवालियों ने यहां पर बहुत ही तन मन और धन से इनका सहयोग प्रदान किया और प्रतिष्ठा में बड़े आनंद के साथ यहाँ प्रतिष्ठा का महोत्सव मनाया गया। मैं कामना करता हूँ ईश्वर से कि यह एक तीर्थ नगरी बने और आने वाले समय में यहाँ पर हजारों धर्म जैन धर्म के अनुयायी यहाँ आकर के अपना संकेश्वर पार्श्वनाथ के दर्शन करें, ऐसी मेरी मनोकामना है। जय जय जी नय जय भारत। मैं यहाँ अपने मामा के यहाँ प्रतिष्ठा महोत्सव पार्श्वनाथ भगवान का मनाने के लिए आई हूँ और मुझे इतना अच्छा लगा यहाँ पे छोटे से गाँव में। निपुण रत्न सागर जी महाराज साहब जी ने प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया
हम यहाँ भजुला के ही निवासी है। हमारे गांव में इतना अच्छा मंदिर बनाने के लिए सारे धर्मावलंबी सारे समाज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। छोटे से गांव में इतनी अच्छी उपलब्धि हमारे लिए बहुत उत्साह का एक कारण बना है। हमने सब उन्हें उत्साहित होकर इस प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लिया है। जय जिनेन्द्र। हमारे गांव में बहुत सालों बाद मंदिर बना है। इस मंदिर में हमने बहुत मजे किए, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम है, बाहर की पार्टी द्वारा भक्ति महोत्सव हुआ। जय जिनेन्द्र। मेरा नाम सुरभि है, मैं यहीं पर भचुंडला में ही रहती हूँ। हमने 5 दिन की प्रतिष्ठा में इतना एंजॉय किया, इतनी मस्ती की। फाइनल एग्जाम थी, फाइनल एग्जाम की सारी टेंशन को छोड़ के प्रतिष्ठा में एंजॉय किया। जय जिनेन्द्र। अगले दिन यानी 25 अप्रैल को सभी भक्त गाजे बाजे के साथ मंदिर जी की ओर रवाना हुए। सभी बेहद खुश थे और जयकारे लगा रहे थे। विविध क्षेत्रों से होते हुए सभी मंदिर पहुंचे, जहां शुभ बेला में जिनालय का द्वारोद्घाटन किया गया। के बाद सभी ने प्रभु के दर्शन वंदन का पुण्य लाभ लिया और जीवन धन्य किया। मैं दीपक नलवाया, गांव बचुंडला, तहसील अन्नौज, जिला प्रतापगढ़, राजस्थान। हमारे यहाँ पर भव्य प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन हुआ है। 21/4/2019 से 25/4/2019 तक का भव्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें 25 तारीख को द्वार उद्घाटन हुआ और पूरा संघ मिलकर द्वार उद्घाटन में आए। 4 साधु जी और 6 साध्वी जी यहाँ पर विराजमान थे, उनकी निश्रा में कार्यक्रम हुआ। श्री शासन रत्न श्री मनोज भाई हरण भी आए, विधि कारक सभी कार्यक्रम हुए। श्री संघ के तरफ से आप सबको ये बताने में इतना हर्ष हो रहा है, आज हमारे गांव भचुंडला में भगवान शंखेश्वर पार्श्वनाथ की मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ है। आज इतना हर्ष हो रहा है कि कुछ बोलने शब्द नहीं आ रहे है। मिच्छा में दुकड़म, कुछ भी गलत बोला हो, अपशब्द बोला हो तो मिच्छा में दुकड़म। हमारे यहाँ पे भचुंडला नगर में अष्टानिका महोत्सव, सब दादा शंखेश्वर दादा का अष्टानिका महोत्सव हुआ है, जिसमें 18 तारीख को कुंभ स्थापना, दीपक स्थापना, ज्वारारोपण वगैरह सब कार्यक्रम निपटाए। उसके बाद 21 तारीख को दादा का प्रवेश, गुरुदेव का प्रवेश। उसके बाद 22 को 18 अभिषेक। 23 तारीख के दिन सुबह भव्याति भव्य वरघोड़ा साधु चतुर्विधि संघ के साथ, और 24 तारीख को भव्यति भव्य प्रतिष्ठा, 25 को सुबह द्वार उद्घाटन। और हमारे भचुंडला नगर में आसपास के सभी श्री संघों ने आकर बाहर से पधारो, बॉम्बे, दिल्ली, बाहर के बेंगलोर, आदोनी, चेन्नई, सभी से लोग पधारे। तो दर्शकों, कुछ इस तरह संपन्न हुआ ये महामंगलकारी प्रतिष्ठा पंचाह्निका महोत्सव। यदि आप प्रतापगढ़ जिले में आए तो भचुंडला नगर में स्थित इस भव्य जिनालय के दर्शन अवश्य करिएगा। इसी मंगल भावना के साथ अब दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेन्द्र।